लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मधु, एक हमारा ही पेपर इतना लेट आता है। सुना? ओए, हेलो। कोई मेरी सुनता ही नहीं है। बच्चा, अंकिता, ये लाइब्रेरी बुक है, लेके जाना है। हाँ, आपने दूध पिया? हाँ। दूध पियो। हाँ, रियली? किसे बात कर रही है? सुमित, रायन, आयुष, हु? नो मॉम। दादी को लेटर लिखा? आज गंगूबाई नहीं आने वाली है। खाओ। सबको काम अपना खुद करना है। बेड बनाया? नहीं बनाया। बेड बनाया? याद है क्या? हाँ, मैंने बेड बनाया। मम्मा सो मच ने। आई नो, बट व्हाट टू डू? आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। क्या हुआ? अरे बच्चे मुझ पे गए मधु, उन्हें कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सब पता है ना। जम शायद तुम्हें याद नहीं कि उन्हें स्कूल जाना है। वी आर गेटिंग लेट। कम ऑन, वो बस वाला हॉर्न बजाए जा रहा है। मूव मूव, चलो जल्दी। मॉम माय बैग। ओ डबा 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 टिफिन। हेलो, केयरफुल। बाय 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 मॉम। बाय, टेक केयर बेबी। गॉड, गेटिंग लेट। हे, मिल गई। वेरी गुड। हाउ कैन यू फॉरगेट योर थिंग्स? तुम्हें सब याद है? ओ गाड़ी खींच, चलो चलो। बाय 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 मामा। बाय दादी, बाय नानी, बाय मामा। सब याद है मेरे सिवा। ओके, रिलैक्स, जस्ट ब्रीथ। बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत कहो। हाँ, उठा रही हूँ, मिले तो सही। हेलो, हैप्पी बर्थडे डार्लिंग। थैंक यू। और तुम्हारी आवाज को क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, सब ठीक तो है ना बच्चा? परफेक्ट माँ। हमारे यूएस जाने का प्रोग्राम फाइनली पक्का हो गया है। ले, अपने पापा से बात कर। हैप्पी बर्थडे बेटा। क्या बात है बेटा, एनी प्रॉब्लम? नथिंग पापा, आई एम फाइन। या और आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। God, it's you guys just have a blast, okay? Just have lots of fun. You too. Our son, this year is going to be very exciting and very happy. Pandit ji ne kaha hai. Haan, nahi, paper mein likha hai. Yeah, right. Tu khud hi padh le, tere yahan to teen teen paper aate hain. Papa, I think Shravan ne kuch surprise bheja, main aapko phone karti hu, bye. रब।
राघव का फोन था? यस, 3 ब्लैंक कॉल्स। यही आप लोगों का सिग्नल है? हाँ, राघव ही था। चलो मॉर्निंग सर। आ श्रवण, आप मुझे याद कर रहे थे? थैंक यू, दैट्स इट, वी विल डू इट टुमारो। यस सर। हाँ वो another problem at home? No problem. वो क्या है ना कि मेरी वाइफ हॉलिडे पर जाना चाहती है, तो मैं सोच रहा था मैं भी ब्रेक ले लूं। So what's the problem? यार हर बात प्रॉब्लम नहीं होती है। समझ नहीं आ रहा कि जाए कहाँ। ये आप उन पर छोड़ दीजिए, लेट हर चूज। नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। मेरी चॉइस का क्या? What about me? Oh, don't be silly, Sean. What are you talking? You being silly? What do you mean? ये मैं नहीं, ये आपकी वाइफ कहेंगी। मतलब क्या तुम्हारा? देखिए मिसेस मोदी को लगना चाहिए कि चॉइसेस वो ले रही हैं, टिकट वो खरीद रही हैं, प्लान्स वो बना रही हैं। अगर आप उन्हें सजेस्ट करेंगे तो डू यू थिंक उन्हें पसंद आएगा? नहीं, नहीं आएगा। तो क्यों खेलना वो मैच जहां हारना कंपलसरी है? सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है वो बताओ। सोल्यूशन सिंपल है, टेल योर वाइफ दैट शी इज फ्री टू गो एनीवेयर। मार्क माय वर्ड्स, वो कहीं नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम, बैड आइडिया। हेलो शालिनी, वो मैं सोच रहा था कि इस बार हम मॉरिशियस जाएं और उसके बाद। औरतों को जानना इज नो रॉकेट साइंस। इतना टाइम क्यों ले रही हो फोन आंसर करने में? हितेश आएगा, सीए के ऑफिस है। पिंक वाली फाइल उसे दे देना। ऑलराइट। कौन सी पिंक फाइल? कल जो मैंने तुम्हें कंप्यूटर के पास रखने को कही थी वही वाली। वो तो ऑरेंज है। व्हाटएवर। अच्छा सुनो, 11 बजे के बाद ही आएगा वो, तुम घर पे हो ना? पूछना भी नहीं चाहिए, मैं कहाँ जाऊंगी। जब मैं ऑफिस से फोन करता हूँ ना डार्लिंग, तो प्लीज डोंट साउंड लाइक दिस। कहीं और से करो तो आई कैन साउंड लाइक दिस। कहीं और से का क्या मतलब है मधु? ऑफिस और ऑफिस रिलेटेड काम के अलावा तुम्हारे पति को कभी तुमने देखा है कुछ और भी काम करते हुए? चलो शुक्र है खुद ही कह दिया। तो क्या करूं, काम करना बंद कर दूं? नहीं नहीं, आपका ऑफिस नहीं रुक जाएगा। अरे अपनी बीवी से बात कर रहे हो, ऑफिस नहीं रुक गया? गॉन गॉन, यू गॉट अ लॉन्ग डे मिस्टर श्रवण सक्सेना। यू डोंट हैव टू टेल मी व्हाट नीड्स टू बी डन मिसेस सक्सेना, मुझे पता है क्या करना है। यू आर राइट, घर के अलावा सब पता है। यू नो दिस प्लेस कॉल्ड होम डिपेंड्स ऑन मी, अगर मैं ना हूं ना श्रवण एक दिन। फ्रैंकली मधु, आई डोंट हैव टाइम। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, एक कहानी सुनिए उस चिपकली की। हां, शी फील्स दैट शी इज होल्डिंग, क्या कहते हैं उसे, छत ऑफ द हाउस। कहीं वो वहां से चली गई तो द एंटायर छत विल कम क्रैशिंग डाउन, यू नो, पुफ, यू नो। डू आई लुक, क्या आई, नो नो, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। घुमा फिरा कर कहने से बात बदल नहीं जाती, ओके? डोंट बी सो ऑर्डिनरी, हां, गेट अ लाइफ, खुश रहा करो। यस सर। मित्तल और मित्तल का जो फैक्स है प्लीज सेंड इट इन इमीडिएटली। हाँ पापा, बताइए आप क्या कह रहे थे? भाई मैं ये पूछ रहा था कि ये पार्टी वार्टी कहाँ है, कितने बजे पहुँचना है? पता नहीं, होगी कहीं, अगर होनी होगी तो, मेरा बर्थडे ही तो है, व्हाट्स अ बिग डील। 29 फरवरी हर साल नहीं आती, ओके? थैंक्स फॉर टेलिंग मी पापा। तो 4 साल यूं ही जाने दोगी? हाँ। यूं ही मुंह सुजाकर बैठी रहोगी? मेरा मुंह ऐसा ही है। और मैं बैठी नहीं हूँ, बहुत सारा काम है। खाना पकाऊंगी, साफ सफाई करूंगी, भाई को कोसूंगी, मामा का फोन आ जाएगा। देखो हस्बैंड बिजी है, बच्चों के पास टाइम नहीं है, तो क्या हुआ, यू शुड गेट ऑन विद योर लाइफ। शायद ये अब तुमसे होगा नहीं। नहीं ये सब ठीक है, लेकिन मतलब क्या, व्हाट, क्या ठीक है? I mean, लड़कियों को समझो मॉन्टी। You mean to say मुझे लड़कियों की साइकोलॉजी पता नहीं? हेलो हेलो, इस कंज्यूमर को समझना बहुत जरूरी है। What do you say? Yes, this is not the way she is. चलो बताओ लड़कियों को क्या क्या पसंद है।
लड़कियों को चॉकलेट्स यस डायमंड्स यस रोमांस एब्सोल्युटली यस इन फैक्ट गर्ल्स प्रेफर टू बी हग्ड देन टू हैव सेक्स किसने कहा ऋतिक वी जस्ट लव यू ये थॉट एक्चुअली आई वुड गो इन फॉर द चोच वी टाइप दे लास्ट मच लॉन्गर यार ओके अब लड़कियों को क्या क्या पसंद नहीं नो डाइटिंग नो मारामारी नो मैथ्स नो बैड ब्रेथ नो स्मोकिंग तुम चुप रहो प्लीज यस हाँ, सीए क्या से कोई आया था पिंक फाइलन है रॉन्ग नंबर बैड जोक मैट्स कम ऑन जल्दी बताओ मैंने मीटिंग रॉन्ग नंबर से बातें करते हो व्हाट्स रॉन्ग विद यू व्हाट्स राइट विद मी तुम्हें लड़ना है लड़ कौन रहा है अच्छा तुम रॉन्ग नंबर से बातें करती हो शायद आज पहला दिन है रॉन्ग नंबर से बातें करने का वैसे देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग श्रवण Well, sir, Monty has given some atrocious designs. Huh? They're very tacky. फ्लैट या बंगलो खरीदना हो तो ये मिडिल क्लास हाउसवाइफ कभी भी अकेली नहीं जाएंगे मिडिल क्लास हाउसवाइफ हाउ मच वुड शी स्पेंड ऑन हर ओन मॉन्टी गेट मी द कट ऑफ अमाउंट या ओके चलो आप बताओ मैक्सिमम एक्साइटमेंट क्या होती है एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ की लाइफ में मूवी टिकट खरीदेगी या अपना घर सजाने के लिए फ्लावर्स या छोटी सी फ्रेम खरीदेंगे एक्सक्यूज मी क्या गुड मॉर्निंग सर कैन आई टॉक टू मिस्टर श्रवण सक्सेना स्पीकिंग दिस इज अस्मिता सर फ्रॉम टाउन बैंक एड्रेस वेरीफाई कर लीजिए अस्मिता कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर प्लीज आपके एड ऑन क्रेडिट कार्ड पे 2 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन हो रहा है आपका एड्रेस सीशेल्स 2200 पालीमाला वैंडरवेस मुंबई व्हाटएवर आई डोंट नो सर पेमेंट रोकना है नहीं नहीं रोकना क्यों है मेरी वाइफ ही कर रही होगी कुछ मेडिकल बिल सेटल कर रही होगी या ऑनलाइन एयर टिकट्स बुक कर रही होगी व्हाटएवर आई डोंट नो नो सर एक्चुअली आपकी वाइफ कार खरीद रही है और सर आपके क्रेडिट कार्ड पे आपको 1000 पॉइंट्स और मिल गए वाओ होप यू एंजॉय योर न्यू कार गुड डे थैंक्स अ लॉट अस्मिता हैव अ नाइस डे तो हम कहाँ थे आप कह रहे थे कि एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ अकेले इतना खर्चा नहीं कर सकती लेकिन अचानक वही मिडिल क्लास हाउसवाइफ वही मिडिल क्लास हाउसवाइफ इतना खर्चा क्यों करती है लिखो यार तराना की तरफ क्या देख रहे हो मैं डिक्टेशन दे रहा हूँ Okay, we are busy. Please call up after. Yeah.